ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, देखिए अभी हमने जनरली पहले भी पढ़ा था प्लांट, जब हम प्लांट में रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तभी हमने फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया था। तो क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो स्पर्म का जो मेल गैमेट है उसका फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन है। नाउ बिटवीन 14 to 16 डेज ऑफ द मेंसुरेशन साइकिल के 14 टू 16 डेज जो होते हैं मेंसुरेशन साइकिल के, अगर उसके बीच में फ्यूजन होता है तो जनरली फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब, जो हमने भी डायग्राम में पढ़ा था कि फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हम कॉमनली ओविडक्ट भी कहते हैं। नाउ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जिसे हम फर्टिलाइज एग भी कहते हैं। अगर स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनेगा, एंड दिस जाइगोट अंडरगो डिवीजन एंड ट्रेवल डाउन द ओविडेट टुवर्ड्स द यूट्रस। और जनरली फिर इसी जाइगोट में जब वो यूट्रस या फिर ओविडेट की तरफ मूव होगा तो उसमें मल्टीपल डिवीजन होंगे। फिर यहाँ पे कंडीशन हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब फ्यूजन के बाद, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो चुके हैं, जाइगोट बन चुका है, तो उसके बाद कौन से कंडीशंस हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से चेंजेस होते हैं आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, लेट्स डिस्कस ऑल दिस चेंजेस वन बाय वन। ओके, इट मींस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है वो है इम्प्लांटेशन। इंपॉर्टेंट वन इज इम्प्लांटेशन क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, द जाइगोट या फर्टिलाइज एग मूव फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस, वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव होगा एंड अटैच इटसेल्फ इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है, और वो क्या करता है, यूट्रस की वॉल पे अपने आप को अटैच कर लेता है, और यूट्रस को ही हम कहते हैं वॉर्म। और इसी प्रोसेस को द फिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइज एग या जाइगोट इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जो मैंने पहले भी बताया कि वॉर्म में या यूट्रस में ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है या फिक्सिंग होती है फर्टिलाइज्ड एग की, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट होने वाली प्रोसेस है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अकर ऑन अबाउट द 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इट मींस दैट 7th डे, ठीक है, अगर आज से 7 दिन के बाद क्या होगा कि जो फर्टिलाइज एग है या फिर जो जाइगोट है वो अपने आप को फिक्स कर लेगा यूट्रस की वॉल पे, ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब वो वहां पे फिक्स हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, द एम्ब्रियो स्टार्ट डेवलपिंग ऑन द यूट्राइन वॉल, और जो एम्ब्रियो है मतलब जाइगोट जो है वो क्या करेगा, उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें डेवलपमेंट होगा, एंड एट दिस स्टेज अ वुमेन इज सेड टू बी प्रेग्नेंट, और इसी स्टेज पे हम कहेंगे कि जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी, और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, तो पहला स्टेप था इम्प्लांटेशन, सेकंड स्टेप है प्रेगनेंसी। ठीक है, और प्रेगनेंसी का कब होगा, जब आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, जब प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद प्लेसेंटा डेवलप होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। The embryo get attached to the mother's uterine wall through a placenta. जो growing embryo है वो mother की uterine wall से कैसे attach होगा, through placenta के, और इसी को हम कहते हैं यहाँ पे cord होती है जिसका नाम है umbilical cord, जो connect करती है placenta को embryo से। ठीक है, umbilical cord का function है कि placenta को connect करना growing embryo से, और क्यों connect करना, क्योंकि इसका function है nourishment या nutrition को provide करना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, और जो भी एक्सक्रीशन है, एक्सक्रेटरी वेस्ट है, वो सभी क्या होगा, उसी प्लेसेंटा या उसी अम्बिलिकल कॉर्ड से होगा, फ्रॉम मदर्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मदर से डेवलपिंग एम्ब्रियो तक जो भी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, रेस्पिरेशन है, या फिर जो भी एक्सक्रीशन होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो से, तो वो सभी का सभी पूरा का जो पूरा प्रोसेस है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से होगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, टिल द बर्थ, बर्थ तक पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम प्लेसेंटा का ही है। तो जो एक पीरियड होता है गेस्टेशन पीरियड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर गैसेस, ठीक है, का रेस्पिरेशन होते हैं। तो ये थर्ड था। फोर्थ वन इज गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स,
The development of embryo inside the uterus till the birth to a baby is called gestation period. ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना यूट्रस में जब तक वो डिलीवर ना हो जाए या फिर बर्थ बेबी का जो बर्थ है ना हो जाए तो उस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड और ये जनरली होता है 2-8 डेज या 9 मंथ का. स्टूडेंट ये जो टर्म्स हैं इनसे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि गेस्टेशन पीरियड क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, तो इन टर्म्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. ठीक है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि ऐसा पीरियड जहाँ पे क्या हो कि पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो टिल द बर्थ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड. उसके बाद है पार्टुलेशन. पार्टुलेशन का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी इज कॉल्ड पार्टुलेशन. पार्टुलेशन का मतलब है कि बर्थ देना बेबी को. ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे मदर बर्थ देती है बेबी को, तो उसे हम पार्टुलेशन कहते हैं. टिल बर्थ द बेबी इज अटैच टू द प्लेसेंटा. बर्थ से पहले तक वो प्लेसेंटा से अटैच होता है. ठीक है, जो कौन सी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट रेस्पिरेशन होता है. बट द कॉर्ड हैज टू बी टाइड एंड कट टू सेपरेट द बेबी फ्रॉम द मदर. आफ्टर पार्टुलेशन ये एसेंशियल है कि प्लेसेंटा को कट किया जाए और उसको सेपरेट कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो बेबी है वो एबल है कि वो उस एटमोसफियर से सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स को या गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है और उस टाइम तक उसके सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज लैक्टेशन. इन फीमेल देयर इज अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट टू नॉरिश द बेबी आफ्टर बर्थ. ठीक है, और ड्यूरिंग सेक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड बिगिन usually within 24 hour delivery. ठीक है, after the delivery एक जो pair of mammary glands है इनसे milk का secretion होता है जो most important role play करते हैं baby के nourishment के लिए, उसके development के लिए. और जो starting days का around 3 days का जो milk होता है उसे हम कहते हैं colostrum. ठीक है, colostrum कहा जाता है और most important है baby के immune system को develop करने के लिए. ठीक है, जिससे वो atmosphere में एक immunity जिसे हम कहते हैं acquired immunity को gain कर सके. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, अभी तक तो हमने ये कंडीशन को डिस्कस किया कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद कौन कौन से चेंजेस आएंगे. अगर इन केस एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो कौन सी कंडीशन देखिए. अ मैच्योर ओवरी रिलीज एन ओवा और एग वंस एवरी 28 डेज बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. ये हमने डिस्कस किया, ओव्यूलेशन से हर 28 डेज में एक एग रिलीज होता है ओवरी से. इफ द एग रिलीज इज नॉट फर्टिलाइज, अगर जो एग रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज ना हो, इट लिव्स ओनली फॉर अबाउट 1 डे एंड देन एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस. अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो एंडोमेट्रियम जो इंटरनल वॉल है, ठीक है, वो क्या करती है, ब्रेक हो जाती है और जनरली इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस वो डैमेज्ड जो ओवा है वो बाहर होगा बॉडी से और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंसुरेशनल साइकिल या मेंसुरेशन. ठीक है, और कब होगा, इट लास्ट फॉर अबाउट 2-8 डेज. ये 2-8 डेज तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेंसुरेशन अकर्स इन फीमेल वंस आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ 28 डेज. हर 28 डेज के बाद ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलती रहती है. ठीक है, अराउंड 45-50 इयर्स की एज तक. ठीक है, स्टार्ट कब होगी, जब प्यूबर्टी की इन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब 10-12 ईयर के स्टार्टिंग में. द स्टार्ट ऑफ मेंसुरेशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्की, मतलब जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो. ठीक है, जब मेनार्की जब मेंसुरेशन स्टार्ट हो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेनार्की. ठीक है, और कब होगा, जब वो पर्सन वो गर्ल प्यूबर्टी में होगी. ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज अ नो मेंसुरेशन एंड ओव्यूलेशन. ठीक है, प्यूबर्टी जनरली प्रेगनेंसी के टाइम में ना मेंसुरेशन होगा और ना ही ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि उस टाइम में ऑलरेडी इम्प्लांटेशन हो चुका है, फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होगा. ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 45-50 मेंसुरेशन स्टॉप. ठीक है, मेंसुरेशन रुक जाता है एंड दिस नेचुरल स्टॉपेज ऑफ मेंसुरेशन इन फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज. ठीक है, मेनोपॉज कहा जाता है कि जब नेचुरली जो मेंसुरेशन है वो रुक जाए. ठीक है, तो स्टूडेंट ये कंडीशन थी कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर एग फर्टिलाइज होगा तब कौन सी कंडीशन होगी और इन केस अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो कौन कौन से चेंजेस होंगे.